Hello everyone, today we are going to discuss about the restricted coding. So this is the best, easiest, simplest way to find the resistance value. So the if you talk about the tricks, जब हम tricks की बात करते हैं तो ये मैंने tricks बनाई है. सबसे simple tricks है baby Roy, Great Britain, very good wife. That means baby Roy की Great Britain की बहुत अच्छी wife. ये बहुत simple trick है, इसको आप याद कर लो. baby Roy that means black, brown, red, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट इट मीन्स पर्पल, देन ग्रे एंड वाइट. सो आप ठीक याद करिए, दिस इज अ वेरी इजी सिंपलेस्ट वे. और यू कैन मेक योर सेल्फ अनदर ट्रिक्स. इफ यू टॉक अबाउट द रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है? सो दिस इज द बेस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई हैव एवर सीन. ए रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट That can dissipate many watts of electrical power as heat. इसका कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, उससे मुझे एक 5 वोल्ट की एलईडी जलानी है. तो 9 वोल्ट से 5 वोल्ट की एलईडी जलानी है, मतलब कि 4 वोल्ट एक्स्ट्रा हो रहा है. अब 4 वोल्ट को हमको हटाना है, तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो तो वोल्टेज डिसिपेट हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस लगा दो. रेजिस्टेंस इन नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है हीट के फॉर्म में. दिस इज हियर पावर एज ए हीट. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं. तो मोस्टली हमको जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है 4 बैंड, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइस हम यूज करते हैं 4 बैंड. फिर होते हैं 5 बैंड एंड 6 बैंड. अब सबसे पहले बात करते हैं कि 5 बैंड, 4 बैंड एंड 6 बैंड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ यहाँ पे कोडिंग दी हुई है इनकी. ब्लैक इसको 0 से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, अब जैसे आपको एक कोई रेजिस्टेंस है, मानो एक रेजिस्टेंस है 4 बैंड 1, 2, 3, 4, ये 5 बैंड 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बैंड, सॉरी ये भी 5 बैंड है 1, 2, 3, 4, 5. अब 4 बैंड की बात करते हैं, तो 4 बैंड में जो सबसे फर्स्ट वाला होता है ये होता है डिजिट, फर्स्ट डिजिट. सेकंड भी डिजिट होता है. थर्ड होता है मल्टीप्लायर. अब मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर मींस इफ 0, दैट मींस 10 की पावर 0 कितना होगा? मल्टीप्लायर 1. ब्राउन है तो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1 कितना होगा? 10. रेड है तो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2 मींस 100. ऑरेंज है 10 की पावर 3 1000. अब हम एक एग्जांपल लेंगे तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और जो फोर्थ वैल्यू होता है टॉलरेंस. टॉलरेंस का मीन्स प्लस माइनस. कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस में इतनी बढ़ सकती है, माइनस में भी इतनी कर सकती है. तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसकी कुछ वैल्यू दी गई है. जो फर्स्ट इस पे कलर है वो है ब्राउन. ब्राउन इट मीन्स 1. ये क्या है? डिजिट है, हमको डायरेक्ट डिजिट लिखना है इसमें से. सेकंड कौन सा कलर है? ब्लैक. ब्लैक क्या है? 0. अब है मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर में कौन सा कलर दिया है? रेड. रेड कलर क्या है? 2 मींस 10 की पावर 2. और ये क्या है? येलो कलर. ये होता है टॉलरेंस. टॉलरेंस येलो कलर पे टॉलरेंस कितना होता है? ये वैसे येलो नहीं है, ये 3-4 कलर होते हैं सिर्फ, ब्राउन, रेड, गोल्ड एंड सिल्वर. ये गोल्ड है तो इसका टॉलरेंस कितना हो गया? प्लस माइनस 5%. अब इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं. 10 × 100 1000 प्लस माइनस 5. अब प्लस माइनस 5 क्या है? मींस 1000 का 5% निकालेंगे. 1000 का 5% कितना हो गया? 50. तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 50 से लेकर 950 तक कुछ भी हो सकती है. अगर हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस लगाना है तो हम इसको बोल सकते हैं 1000 ओम. ये हो गया 1000 ओम और 1K, ये इसकी वैल्यू आ गई. तो ये एक सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल. अब जैसे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं, एक ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. सबसे पहले क्या है? डिजिट. रेड कितना है? 2. सेकेंड ब्लैक. ब्लैक कितना है? 0. थर्ड ब्लैक 0. फोर्थ ब्राउन. ब्राउन क्या है?
10 की पावर 1, देन ब्राउन, ब्राउन कितना हो गया प्लस माइनस 1%, ये टॉलरेंस है। ये कितना हो गया 2000 ओम और 2K किलो ओम, इसका प्लस माइनस टॉलरेंस हो गया, माइनस में ही प्लस। इतना थर्ड की बात करते हैं, रेड 2, येलो 4, ब्लैक 0 इंटू येलो 10 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2400K, और कितना लिख सकते हैं इसको 2.4 मेगा ओम, इसकी वैल्यू हो गई है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक जो वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस है, इस पे कुछ कलर दिए गए हैं, रेड रेड ब्राउन एंड गोल्ड। अब देखो रेड कितना होता है 2, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट 2, देन ब्राउन टॉलरेंस सॉरी मल्टीप्लायर 10 की पावर 1 इंटू गोल्ड प्लस माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 220 ओम। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसको ऐसा पकड़ें या फिर ऐसा पकड़ें, ये मेन पॉइंट होता है। तो इसमें आप देखिए जो डिजिट है और मल्टीप्लायर, इनके बीच में ज़्यादा के फर्क, टॉलरेंस होता है सबसे हट के, सबसे दूर रहता है टॉलरेंस, इसका एक बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, इन सबसे डबल गैप रहता है, तो यहाँ से हम आराम से पहचान सकते हैं। और ये सिर्फ चार कलर होते हैं, गोल्डन सिल्वर ब्राउन एंड रेड। अगर दूसरे डिस्टेंस की बात करते हैं, ये एक है, इस पे कौन कौन सा कलर है, येलो ब्राउन ग्रीन एंड गोल्डन। अब येलो का कितना होता है 4, ब्राउन 1, ग्रीन 10 की पावर 5 एंड प्लस माइनस गोल्डन 5%, ये कितना हो जाएगा 4100 किलो ओम और 4.1 मेगा ओम। सो ये रेजिस्टेंस का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको इसका मैं PDF लिंक पे दे दूंगा, तो आप इसका PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कोड वर्ड याद रखेंगे, आप इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप ऐसे वैल्यू देख के बता दोगे कौन सा कलर है ब्राउन ब्लैक रेड, मतलब कि ब्राउन कितना हो गया 1, ब्लैक कितना हो गया 0, रेड हो गया 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 की पावर 2 1000 मीन्स 1 किलो ओम और 1000 ओम। और भी रेजिस्टेंस बात करते हैं, एक मेरे पास ये है, इस पे कौन कौन सा कलर है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन और गोल्डन, तो ये अपने वो गोल्डन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अपन को तीन कलर का होता है, तो ब्राउन कितना हो गया 1, ब्लैक कितना हो गया 0 और फिर उसके बाद ब्राउन है 10 की पावर 1, दैट मीन्स 100 ओम। सो गाइस दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड, आपको बस ये ट्रिक याद करनी है कि बीबी रॉय की ग्रेट ब्रिटेन की बहुत अच्छी वाइफ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये यहाँ पे वॉलेट कलर होता है, इसको हम पर्पल कलर भी बोलते हैं, और आई थिंक इसे सिंपल मेथड तो मुश्किल होगा भी, सो प्लीज़ फॉलो दिस मेथड एंड बिकम ए एक्सपर्ट। थैंक यू।